आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बालाघाट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक से कथित तौर पर अपने प्रेम प्रसंग का हवाला देकर एक युवती ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया, जिससे यहां पर काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया। पीड़ित युवती अपनी दो अन्य बहनों के साथ कलेक्ट्रेट में आई हुई थी। यहां पर मामला को गर्माता देख अपर कलेक्ट्रेट, संयुक्त कलेक्ट्रेट व जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने मोर्चा संभालते हुए हंगामा करने वाली युवती व उसके परिजनों के साथ डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक के ही कक्ष में समझाने व सुलझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बातें नहीं बन सकी और अंत में पीड़ित युवती अपनी दोनों बहनों के साथ बाहर निकल आई। इस दौरान युवती ने बताया कि वह राहुल नायक को वर्ष 2019 से पहचानती है और तब से प्रेम प्रसंग होने का दावा किया। युवती नैनपुर की रहने वाली है और डिप्टी कलेक्टर रीवा से है। युवती का कहना था कि डिप्टी कलेक्टर की अब सगाई हो गई है और मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हैं। मैं शादी करना चाहती हूँ। डिप्टी कलेक्टर के परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। अगर आपकी इच्छा, राहुल नायक से मेरे को बात करने दो। राहुल नायक से मेरी बात होती थी, ठीक है, ये जो डिप्टी कलेक्टर है उनसे मेरी बात होती थी और क्या कहते हैं हम लोगों के जो प्रेम प्रसंग थे उनके घर में हमने जाके बात की तो उनके पापा मम्मी ने गेट लगा दिया और हम लोग पूरे परिवार को धमकी दी कि अगर तुमने अगर मेरे घर में आके तुम्हारे घर वाले बात करेंगे तो हम तुम लोगों का तुमको केस तुम्हारा केस करेंगे। आप कब से जानती हैं इनको? मैं 2019 से जानती हूँ और ये हम लोग सजाती हैं और हम इनके पापा भी मिले थे हमको। कहाँ से रहने वाले हैं? हाँ, मैं नैनपुर की हूँ। आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी इनसे? हम रीवा में हुई थी और क्या कहते हैं वहाँ पे मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, मेरे को प्रताड़ित किया गया और मेरे को मेंटल इतना टॉर्चर किया गया। आप क्या करती हैं? मैं तो PSC की कोचिंग कर रही हूँ। अभी आप यहाँ पर आए थे, क्या बोले, क्या हुआ? हम लोग क्या कहते हैं इसके पहले मैं एक बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, उस समय आई थी क्या कहते हैं जब शिवराज सिंह चौहान मंडला गए थे, उस डेट के दूसरे दिन आई थी मैं, तो मैंने लेटर दिया था और यहाँ पे मैंने मीडिया से बात की थी। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरी उनसे शादी हो बस, वो मेरे और उन्होंने सगाई कर ली और अब जाके वो बात कर रहे हैं बैठ के कि आप लोग बात करिए ये और वो ऐसा और वैसा। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम खत्म हो गई है। मेरे घर में सबको, मेरे घर वाले, मेरे समाज वाले सबको पता चल गया है। समाज वाले लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे और ये अभी आज बोलते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। इनकी सगाई हो? आज स्वयं आए थे या आपको बुलाया गया था? क्या जी? आज आप स्वयं आए थे कि आपको बुलाया गया? मैं बहुत दिनों से चाह रही थी इनसे बात करना इसलिए। तो ये इनकी सगाई होगी राहुल नायक? हाँ, इनकी सगाई होगी। अभी क्या प्रशासन के बीच आपने बात रखा हुआ? प्रशासन उनका साथ दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये भारत जो है महिला प्रधान है ना, इसलिए। और मेरे को बोल रहे हैं कि तुम ऐसा, तुम वैसा, तुम ये, तुम वो, जब दोनों और ये बोलते हैं ये वाली बात कि मैंने कुछ नहीं कराया, मेरे साथ बहुत मुझे शोषित किया गया है, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी इनसे शादी हो जाए, आप लोग कन्वेंस कराइए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है।